गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने के लिए जा रहे हैं, बीफ बना रहे हैं हम, बीफ स्टीम बीफ। तो स्टीम बीफ बनाने के लिए मैंने ये बीफ के ऐसे इस तरीके से फिले ले लिए हैं, तो आप इस तरीके से काट लें। ये हैं तकरीबन 1.5 kg हैं, और जो इसमें स्पाइस चलेंगे वो सब स्पाइस 1 teaspoon होंगे, स्पाइस होंगे। तो 1 teaspoon स्पाइस में ये तमाम स्पाइस जो भी मैंने रखे हैं सब 1 teaspoon है। मैं आपको बताती रहती हूँ। कूटी लाल मिर्च चाहिए, ये भी 1 teaspoon है। जिंजर है, ड्राई जिंजर है 1 teaspoon। गार्लिक पाउडर 1 teaspoon। गर्म मसाला 1 teaspoon। नमक 1 teaspoon। हसबे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं, जिसको कम या ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लेना हो तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। पीसी लाल मिर्च 1 teaspoon। जीरा पिसा हुआ भुना हुआ 1 teaspoon। सूखा धनिया भुना हुआ पिसा हुआ यानी कि कूटा हुआ 1 teaspoon। ये तमाम स्पाइस जो मैंने लिए हैं सारे 1 teaspoon है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कूटी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब स्पाइस मैंने 1 teaspoon लिए हैं। और 1 teaspoon में ही हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये मैंने एक फिले लिया था इसमें से, ये देखें, ये मैंने इस तरीके से पीसेस स्लाइसेस में कट किया हुआ है। तो इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस को मैंने शॉपर में डाल दिया, यानी कि किसी भी बैग में डाल लें आप। और इसके बाद आप इसको हैमर की मदद से इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कर लें, ताकि इसके जो अंदर से वो जो गोश्त की एक तंत सी होती है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए। तो उससे ये होगा, ये मैरिनेशन हम करेंगे, उसके बाद जब हम इसको बनाएंगे ना तो फिर बहुत टेस्टी जूसी एंड टेंडर बनेगा। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये सारे पीसेस मैं इस तरीके से करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको हैमर की मदद से कर लिया, आप इस तरीके से कर लें। ये बीफ स्टीम भी आप इसका बना लें, इसको आप बर्गर्स में भी रख सकते हैं, उस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। और इन सब पीसेस को मैं डाल लूँगी एक बाउल में, ले लिया और इसमें मैं ये सारे पीसेस रख देती हूँ। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप बना कर रख लें सर्दियों में, तो फ्रिज में रखते रहें आप साथ इसको, तो आप इसको ना जब आपका दिल करे तो आप इसको बर्गर में रख के, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये 1 teaspoon सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दूँगी। 1 teaspoon इंग्रेडिएंट्स तमाम इसमें डाल दिए हमने, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन या फिर सिरका, अगर आपके पास है तो वो डाल दें। तो अगर लेमन है तो लेमन डाल दें, ये भी 1 teaspoon आपने डाल दें। तो मैं इसमें 1 teaspoon सिरका डाल दूँगी, और अगर लेमन है तो लेमन भी आपने 1 teaspoon उसका लिक्विड डाल देना है। इसको मैं मैरिनेशन, जस्ट इसकी मैरिनेशन करेंगे और इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और फिर आपसे इसको मिलते हैं हम इसकी फाइनल, यानी कि मैं जब भी इसको बनाऊंगी फिर मैं आपसे मिलूंगी। उतने में प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें वीडियो को मस्ट, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मुझे इसका फीडबैक भी आपने देना। अगर आपको ये, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको अगर लगे कि ये ड्राइनेस पे है, इसके साथ नहीं मसाला लग रहा, तो आप इसमें 1 teaspoon या 1 tablespoon ऑयल ऐड कर दें। जी तो गाइस, बीफ स्टीम के लिए मैंने 1 teaspoon इंग्रेडिएंट्स लगा के मैरिनेशन करके रख दिया था 2 से 3 4 घंटे के लिए। तो अब मैं इसको ना इस पॉट में डाल दूँगी। मैंने इसमें 2 tablespoon ऑयल डाल दिया, यानी कि ये नीचे लगे ना। गाइस, मैंने 1 teaspoon इंग्रेडिएंट्स के साथ बीफ को मैरिनेशन करके ओवरनाइट रख दिया था, और अब मॉर्निंग में मैं इसमें ऑयल डाला 1 teaspoon, और अब मैं इसमें ये सारे जो बीफ के फिले थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे, रेस्ट देंगे आप, उतनी ही मज़ेदार आपका ये बीफ स्टीम बनेगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में ये ज़्यादा अच्छी लगती है रेसिपी। ड्राइनेस पे का, हाँ अगर आप चाहें तो इसको बर्गर में भी रख सकते हैं। ये बीफ स्टीम है तो इसके आप प्रॉब्लम बर्गर वगैरह में भी रख सकते हैं। इसको मैं कुछ देर के लिए हल्का सा ना शैली फ्राई करते हैं, उसके बाद हल्का से स्टीम पर हम देखते हैं, हाफ ग्लास पानी डालेंगे इसमें और इसको स्टीम के लिए रखेंगे। अभी मैं इसको
सिर्फ 2-3 मिनट के लिए शैलो फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें हाफ ग्लास पानी डालेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, स्टीम पर रख देंगे। तो गाइस ये देखो मैंने इसको 2 से 4 मिनट के लिए कर दिया और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने 1/4 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डाल दिए, आधा ग्लास में इसमें पानी डाल दिया मैंने और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी, यानी कि इस प्रेशर में की जो भाप होगी उसमें ये स्टीम हो जाएंगे। तो मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 20 मिनट्स के लिए और जब ये रेडी होंगे तो फिर मैं आपको मिलती हूँ इसकी फाइनल लुक के साथ। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे उतने में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें। जी तो गाइस ये देखें हमारा स्टीम बीफ रेडी है जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए वो सब के सब 1 टीस्पून है और आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करें तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और ये वैसे भी सब्ज़ी भुजिया के साथ या कोई दाल आपने बनाई हो तो उसके साथ आप सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो बच्चों को बर्गर्स में भी बंस में रख के दे सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें वीडियो को और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।